इधर गिरिडीह जिला मुखिया संघ कार्य समिति ने अफसर कॉलोनी स्थित अम्बेडकर भवन में संघ के जिला अध्यक्ष भागीरथ मंडल की अध्यक्षता में एक बैठक की। इस दौरान मनरेगा कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायत पर मंगरोटी और गांधी के फुलझरी मुखिया के वित्तीय संपत्ति जब्त करने का विरोध करते हुए नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने उपायुक्त से एक बार पुनः इस विषय पर जाँच पड़ताल करने की मांग की, साथ ही कई विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर शब्बीर आलम, शंकर पासवान, अनिल कुमार, रजक समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुखिया संघ की बैठक गिरिडीह के अम्बेडकर भवन में चल रहा है और इस बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो अभी वर्तमान में मनरेगा के तहत जो गिरिडीह प्रखंड के मंगरोटी और गांडे प्रखंड के फुलझरी पंचायत में जो मुखिया पर और रोजगार सेवा पर जो कार्रवाई हुआ है, इस पर हम लोग बैठक चर्चा कर रहे हैं। ये कार्रवाई जो हुई है, हमारे मनरेगा में कई पदाधिकारी सम्मिलित हैं उस योजना में स्वीकृति देने में। सबसे पहला स्वीकृति हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो अगर स्वीकृति मिलता है उसमें BPO हैं और उसके बाद मुखिया उसको स्वीकृति देते हैं। उसके बाद उस योजना को देखने के लिए जई हैं, आई हैं, BPO हैं, उसमें सम्मिलित हो गए BDO भी हैं और हमारे पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक हैं। तो केवल रोजगार सेवक और मुखिया पर ही कार्रवाई क्यों होता है, ये मैं माननीय उपायुक्त महोदय से बताना चाहता हूँ कि इस योजना में हमारे पदाधिकारी सभी सम्मिलित हो। अगर उस किसी योजना में अनियमितता पाई जाती है, अगर सही पाया जाता है तो सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, केवल एक रोजगार से और मुखिया पर क्यों। दूसरी बात है जो आई पासपोर्ट लॉगिन का जो पासपोर्ट है, सभी जिला के सभी प्रखंडों में सभी मुखिया के पास उपलब्ध नहीं है। ये लॉगिन पासपोर्ट वगैरह जो है आपका, सब अपने पदाधिकारी अपने पास BDO साहब रखते हैं, यही रखते हैं और के द्वारा ये योजना स्वीकृति दी जाती है, मुखिया को पता नहीं चलता। यही हम लोग और आगे की हम लोग मुखिया से अगर इस तरह की कार्रवाई, जो पदाधिकारी जांच में जाते हैं योजना को धरातल पर, अगर उस योजना गलत पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब जाते हैं तो किसी रिकॉर्ड और योजना को देखने का काम नहीं करते, केवल कागज और कलम पर करके चले आते हैं और मुखिया पर कार्रवाई होती है। मैं माननीय उपायुक्त महोदय गिरिडीह से मांग करता हूँ कि जिस पर कार्रवाई है उस पर एक जिला से कमेटी बने और उस योजना को पुनः जाँच कर उस पर कार्रवाई करने का काम करें। मुखिया संघ की बैठक गिरिडीह के अम्बेडकर भवन